आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 का जो जनादेश है इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, नतीजे काफी कम आए हैं, लेकिन रुझान जो है उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल मतलब एनडीए 331 सीटों पे आगे है। कांग्रेस उसके सहयोगी दल तकरीबन 100 सीटों पे आगे है। बीएसपी और एसपी 22 सीटों पे आगे है। तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों पे आगे है। डीएमके तमिलनाडु में 22 सीटों पे आगे है। बीजू जनता दल 13 सीटों पे आगे है। वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्रा की है वो 25 सीटों पे आगे है। टीडीपी को कोई सीट नहीं मिली है। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस जो है वो भी तकरीबन 12 सीटों पे आगे है। महाराष्ट्र में विशेष हम लोग बात करते हैं। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर के द्वारा जो निर्माण की गई वंचित बहुजन आघाड़ी एक बड़ा फैक्टर के रूप में सामने आया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन वंचित आघाड़ी का एक काफ़ी रोल जो है महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की तकरीबन सभी सीटों पे वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों ने काफ़ी अच्छे वोट हासिल किए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 15 सीटें ऐसी हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण कांग्रेस हार रही है महाराष्ट्र में। वंचित बहुजन आघाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं आपको ए टू जेड कोशिश करता हूँ बताने की। ये जो अहमदनगर है यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी को तकरीबन 30,000 वोट मिलने दिख रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी लीड पे है 6,67,500 वोट और जो एनसीपी है इसको 4,01,167 वोट मिलने नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग अकोला की बात करते हैं। अकोला में प्रकाश अंबेडकर स्वयं चुनावी मैदान में है। यहाँ पे जो है संजय धोत्रे बीजेपी के जो सांसद भी है यहाँ के 5,45,799 वोटों से नंबर वन पे है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिदायतुल्ला है जो 2,46,198 वोटों से सेकंड नंबर पे है। और प्रकाश अंबेडकर जो है 2,72,771 वोट तीसरे नंबर पे है। तो अकोला में जो है काफ़ी स्थिति उलटफेर है। यहाँ पे अगर दोनों लोगों की वोट्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन बीजेपी के आसपास की टैली हो जाती है। अमरावती में जो है नवनीत राणा ये फर्स्ट नंबर पे है। इन्हें 4,81,744 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के गुरुवंत देवपारे इन्हें 61,148 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर है, सॉरी ये तीसरे नंबर पर। सेकंड नंबर पर जो है जो शिवसेना के सिटिंग एमपी है आनंदराव अड़सूड़ उन्हें 4,33,852 वोट मिलते आ रहे हैं। तो यहाँ भी जो अमरावती में है 61,000 वोट लेके वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो तीसरे नंबर पे है। और गुरुवंत देवपारे ने इस अमरावती में पिछले लोकसभा चुनाव में 1,00,000 वोट हासिल किए थे बीएसपी की तरफ। अभी और कुछ राउंड्स की मतगणना होनी बाकी है। हम लोग अभी जो 4:30 बजे है यहाँ तक का जो हमें पास ट्रेंड आया है वो आपको बता रहे हैं। औरंगाबाद में एक अच्छी स्थिति है एमआईएम के लिए। यहाँ पे जो चंद्रकांत खैरे हैं शिवसेना के जो मौजूदा एमपी हैं जिनके खिलाफ में काफ़ी एंटी कंपनसी थी उन्हें 2,77,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे इम्तियाज जलील जो एमआईएम के यहाँ से विधायक भी है उन्हें 2,95,849 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इसी सीट पर जो है सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने विजय कोड़से पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जब एमआईएम ने दबाव बनाया तो एक अकेली सीट है यहाँ पे एमआईएम ने कॉन्टेस्ट किया था। और यहाँ पे जो है एमआईएम सेकंड फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पे जो हर्षवर्धन यादव है ये 2,08,593 वोटों से तीसरे नंबर पे है। और कांग्रेस इस सीट पे चौथे नंबर पे है 62,143 वोट मात्र इसे मिले हैं। तो ये जो एक सीट है औरंगाबाद की यहाँ पे जो है कि जो वोटों का ध्रुवीकरण काफ़ी हो गया जो जिसे हम कहते हैं कि हिंदू वोट्स जो है वो काफ़ी डिवाइड हो गए, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी के जो इम्तियाज जलील है यहाँ पे नंबर वन पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बारामती की बात करते हैं। बारामती से सुप्रिया सुले जीतने की और अग्रेसर है उन्हें 6,83,000 वोट मिले हैं और 5,28,000 के आसपास जो वोट है वो बीजेपी को मिले हैं। यहाँ पर भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के नवनाथ पडलकर इन्हें 43,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं, वो तीसरे नंबर पे हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं बीड में। बीड में गोपीनाथ मुंडे की जो लड़की है प्रीतम मुंडे जो सांसद भी है यहाँ से
वो जीतने के और अग्रसर है, उन्हें 5,68,000 वोट मिले हैं। और कांग्रेस के बजरंग सोनाव ने जो है उन्हें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, उन्हें 4,23,000 वोट मिले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को यहाँ पे 77,597 वोट मिलते जा रहे हैं, ये उनके लिए प्लस है। बीड जैसे स्टेट जैसे एरिया में भी वंचित बहुजन आघाड़ी को अच्छे वोट मिलते नजर आ रहे हैं। शायद ये लोग शायद ये वोट जो है 1,00,000 के अधिक क्रॉस कर पाए, क्योंकि अभी 4:30 ही बजे है और कुछ राउंड की मतगणना होनी बाकी है। उसके बाद 5:30 बजे सॉरी उसके बाद महाराष्ट्र के गोंदिया सीट पे हम लोग भंडारा गोंदिया सीट पे हम आते हैं। लास्ट जब इसका वायलेशन हुआ था तब यहाँ पे एनसीपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार जो है पलटा भारी हुआ है। यहाँ पे बीजेपी के सुनील मेंढे जो है 4,77,000 वोटों से आगे है और एनसीपी के पंचमुद नाना ये 3,32,000 वोटों से सेकंड नंबर पे है। यहाँ बीएसपी को 36,000 वोट है और जो वंचित बहुजन आघाड़ी है के एन नन्हे इन्हें 30,000 और बीएसपी की जो विजय नंदुरकर है इन्हें 36,000 वोट मिले हैं। तो बीएसपी को लगातार जो है काफ़ी झटके महाराष्ट्र में मिल रहे हैं और बीएसपी की जो स्पेस थी वो पूरी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र में ले ली है। हम लोग भिवंडी में भी आते हैं। भिवंडी में बीजेपी के कपिल पाटिल 3,54,000 वोटों से आगे हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस के सुरेश टावरे जो है वो 2,67,000 वोटों से सेकंड नंबर पे है। यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रोफेसर अरुण सावंत जो है 34,484 वोटों से थर्ड नंबर पे है। इसके बाद हम लोग बुल्ढाना में आते हैं। बुल्ढाना में जो बीजेपी के प्रतापराव जाधव है, शिवसेना के जाधव प्रतापराव जाधव है, इन्हें 4,12,000 वोट मिल रहे हैं। वहीं एनसीपी के राजेंद्र सिंह ने 3,00,000 वोटों पे सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे जो है जो बड़ीराम सिरस्कर है वंचित बहुजन आघाड़ी के, जो एमएलए भी हैं अकोला से, इन्हें 1,33,353 वोट मिलते नजर आ रहे हैं, ये तीसरे नंबर पे है। चंद्रपुर की हम बात करें तो चंद्रपुर में कांग्रेस के जो बाड़ू धानोरकर सुरेश धानोरकर जो है ये 2,58,270 वोटों से नंबर वन पे है। और जो मौजूदा सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है हंसराज अहीर, ये 2,33,738 वोट लेके सेकंड नंबर पे है। यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेंद्र महाडोड़े जो है ये 54,000 वोट लेके थर्ड नंबर पे है। तो चंद्रपुर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वंचित कर रहा है। यहाँ एक समय ऐसा था कि बीएसपी को 1,00,000 से अधिक वोट मिले थे, लेकिन यहाँ पर भी वंचित ने जो है बीएसपी की जगह ले ली है। इसके बाद में हम लोग आते हैं धुलिया में। यहाँ पे सुभाष भामरे जो मौजूदा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है, ये 6,00,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इनके खिलाफ में जो कांग्रेस के रोहिदास पाटिल है, इन्हें 3,82,000 समथिंग वोट मिल रहे हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी के नबी अहमद दुलिया ये तकरीबन 40,000 वोट लेके तीसरे नंबर पे है। दिंडोरी में आते हैं। दिंडोरी में जो है बीजेपी के डॉक्टर भारती प्रवीण पवार 5,00,000 वोट लेके नंबर वन पे है। उनके खिलाफ एनसीपी के धनराज महाले 3,22,000 वोटों से सेकंड नंबर पे है। जीवा गावित जो है कम्युनिस्ट पार्टी के तकरीबन 1,00,000 के आसपास इन्हें वोट मिले हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी के बापू बर्डे इन्हें 51,000 वोट मिले हैं। यहाँ पर भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छी फाइट दे रही है। गढ़चिरौली चिमूर में आते हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी टफ फाइट हो रही है। डॉक्टर नामदेव उसंडी कांग्रेस के 3,92,000 वोट लेके सेकंड नंबर पे है। और अशोक नेते जो मौजूदा सांसद है 4,61,000 वोट लेके नंबर वन पे है। बीएसपी को 24,000 वोट मिले हैं, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर रमेश गजबे इनको 1,04,202 वोट मिले हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर रमेश गजबे है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फाइट दे रहे हैं। हालांकि रमेश गजबे बीएसपी से भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन अभी वंचित की तरफ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और गढ़चिरौली में भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने 1,00,000 से अधिक वोट हासिल किए हैं। अभी तक 5:30-6:30 बजे है और कुछ राउंड से गिनती होना बाकी है। हम लोग हाथकरंगले में आते हैं। यहाँ पर भी जो है शिवसेना के धैर्यशील माने 5,36,000 वोट लेके नंबर वन पे है। जो राजू शेट्टी है वो 4,37,000 वोट लेके सेकंड नंबर पे है। वंचित बहुजन आघाड़ी के असलम सैयद
111,000 वोट लेके थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पर भी जो वंचित ने अपना अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके बाद हिंगोली में आते हैं, हिंगोली में भी जो है शिवसेना के हेमंत पाटिल 344,000 वोट लेके नंबर वन पे हैं। कांग्रेस के जो सुभाष वानखेड़े हैं जो लास्ट टाइम सेकंड नंबर पे थे, कांग्रेस ने उन्हें 1500 वोटों से उस पर मात दी थी। इस बार जो है यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के मोहन सिंह राठौड़ 102,021 वोट लेके थर्ड नंबर पे हैं। तो हिंगोली में भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। हम लोग जलगांव में आते हैं, जलगांव में तकरीबन बीजेपी 700,000 वोट लेके नंबर वन पे है। कांग्रेस काफ़ी एनसीपी काफ़ी पीछे है, उसे 300,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को 40,000 के आसपास वोट यहाँ मिल रहे हैं। जालना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राव साहब 92 है, ये 547,000 वोट लेके नंबर वन पे है। इनके खिलाफ कांग्रेस के जो अवताड़े हैं वो केवल 286,000 वोटों पे है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पे 50,000 के आसपास वोट पाए हैं। इसके बाद कल्याण में आते हैं, कल्याण में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे शिवसेना के 365,000 वोटों से एक नंबर पे हैं। इनके खिलाफ एनसीपी के जो बाबाजी पाटिल है, बलिराम पाटिल, ये 1,00,000 ही वोट पा सके हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहाँ पे तकरीबन 44,942 वोट पाए हैं। हम लोग कोल्हापुर में अगर आते हैं तो कोल्हापुर में भी संजय मंडलिक है, सदाशिव मंडलिक, इन्हें तकरीबन 700,000 के ऊपर वोट मिले हैं। एनसीपी के धनंजय महाड़िक को 4,50,000 वोट मिले हैं और जो अरुणा माली है, डॉक्टर अरुणा माली वंचित बहुजन आघाड़ी की, इन्हें 61,000 वोट मिले हैं। लातूर में आते हैं, महाराष्ट्र के लातूर में जो है बीजेपी के सुधाकर शंगारे 4,61,000 वोटों से नंबर वन पे है और कांग्रेस काफ़ी पीछे है, 2,67,000 से वोट मिल रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को यहाँ पे 82,000 वोट मिल रहे हैं। माढ़ा में जो है बीजेपी के रंजीत सिंह निंबाड़कर 4,99,000 वोट और एनसीपी के जो संजय मामा शिंदे है उन्हें 4,30,000 वोट और वंचित बहुजन आघाड़ी को 40,000 वोट यहाँ पे मिल रहे हैं, 43,000। मावड़ में आते हैं, मावड़ में जो है अजीत पवार के बेटे हार रहे पार्थ पवार, यहाँ पे जो है श्रीरंग बारंगे शिवसेना के, इन्हें तकरीबन 7,00,000 वोट मिले हैं और पार्थ पवार को 5,00,000 के आसपास वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी को 75,000 वोट यहाँ मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ सबसे इंपॉर्टेंट सीट, महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण जो है हारते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक चव्हाण को 4,14,000 वोट मिले हैं। वही प्रतापराव पाटिल जो है इन्हें 4,47,000 वोट मिले हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी के यशपाल भिंगे हैं, इन्हें 1,57,484 वोट मिले हैं। तो प्रकाश अम्बेडकर की जो पार्टी है इनके कारण जो है अशोक चव्हाण जो है यहाँ पे हार सकते हैं। नासिक में समीर भुजबल को 1,83,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वही हेमंत गोडसे शिवसेना के तकरीबन 3,50,000 वोट इन्हें मिल रहे हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी को 63,000 वोट मिल रहे हैं। यहाँ पे पवन पवार जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उस्मानाबाद में जो है शिवसेना को 5,50,000 से अधिक वोट मिले हैं। एनसीपी के रंजीत सिंह पाटिल जो है, पद्म सिंह पाटिल के बेटे हैं, इन्हें 4,44,000 वोट मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के अर्जुन दादा सलगर, इन्हें 95,312 वोट यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ रहा है। परभनी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वंचित बहुजन आघाड़ी का रहा है, यहाँ शिवसेना ने तकरीबन 4,55,000 वोट पाए हैं। वहीं एनसीपी के जो राजेश विटेकर है 4,24,000 वोट लेके सेकंड पे है। वंचित बहुजन आघाड़ी के आलमगीर मोहम्मद खान को 1,27,000 वोट मिले हैं। पुणे की बात करते हैं, पुणे में गिरीश बापट जो मौजूदा मंत्री है इन्हें 3,32,000 वोट मिले हैं। मोहन जोशी कांग्रेस से काफ़ी पीछे है 1,58,000 वोटों से। वंचित बहुजन आघाड़ी के अनिल जाधव जो है इन्हें 40,000 वोट मिले हैं। रावेर में आते हैं, रावेर में जो है बीजेपी की रक्षा खड़से जो है इन्हें 6,50,000 के ऊपर वोट मिले हैं।
कांग्रेस के डॉक्टर उल्लास पाटिल 3,10,000 और वंचित बहुजन आघाड़ी को जो है यहाँ पे 87,000 वोट मिले हैं। सांगली में आते हैं, सांगली में ऐसा उम्मीद थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो गोपीचंद पडलकर है जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के संजय काका पाटिल 4,32,000 वोट लेके नंबर वन पे है, वही विशाल पाटिल स्वाभिमानी पक्ष के 2,17,000 वोट लेके सेकंड पे है, और वंचित बहुजन आघाड़ी को तकरीबन 2,50,000 वोट यहाँ पे मिले हैं। शिरडी में कांग्रेस के शिरडी में शिवसेना आगे है, यहाँ पे 4,83,000 वोट उन्हें मिले हैं, और कांग्रेस के भाऊ साहब कामले को 3,63,000 और वंचित बहुजन आघाड़ी के संजय सुखधन को 62,000 वोट मिले हैं। सोलापुर जो सबसे टफ सीट थी, सोलापुर में ऐसा माना जाता था कि प्रकाश अंबेडकर शायद जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी के सिद्धेश्वर स्वामी को 4,68,000 वोट मिले हैं, कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे को 3,29,000 वोट मिले हैं और प्रकाश अंबेडकर को 1,50,000 वोट मिले हैं। तो यहाँ भी जो है प्रकाश अंबेडकर ने 1,50,000 तक वोट क्रॉस किए हैं। यवतमाड़ में जाते हैं, यवतमाड़ में जो है भावना गौड़ी शिवसेना की 3,86,000 वोटों से नंबर वन पे है, कांग्रेस के 3,15,000 और वंचित बहुजन आघाड़ी ने तकरीबन 80,000 वोट यहाँ पे पाए हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी बन गई है कि महाराष्ट्र में जो है वंचित बहुजन आघाड़ी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद हो सकता है कि अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन होता है तो कुछ नई स्थिति, कुछ नया चित्र हमारे सामने आ सकता है। अब ये बहरहाल प्रकाश अंबेडकर पर भी निर्भर है कि वो किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि इस बार जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में दिया है, और लगभग 10% के आसपास जो है वोट जो है वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र में मिले हैं, और 15 सीटें कांग्रेस एनसीपी की वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण जो है गिर गई है, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है बीजेपी शिवसेना को हुआ है। तो ये शुरू से माना जा रहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के महाराष्ट्र में उभरा है, और इसी तरह से जो है हमारे सामने ट्रेंड्स जो है सामने आए हैं। अंतिम निकाल आना अभी बाकी है, अंतिम निकाल में और क्या चेंजेस होते हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन आज की अभी की स्थिति मौजूदा यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक अच्छा जो है ट्रेंड जो है सेट किया है, और महाराष्ट्र में एक थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में वंचित बहुजन आघाड़ी स्थापित हो चुकी है। धन्यवाद।